गाइस, बीते कुछ सालों में हमारे पार्ले जी या मैगी का ही साइज नहीं बदला, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत कुछ बदला है। और इसी बदलाव में एक बड़ा बदलाव हमारे 5 रुपए के भारी भरकम सिक्के में भी हुआ है। दरअसल पुराना 5 रुपए का सिक्का पहले बहुत ही भारी हुआ करता था और इसकी मेटल क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती थी, इसलिए बांग्लादेश में इसकी स्मगलिंग शुरू हो गई। वहां के लोग इसे पिघलाकर उसके मेटल से ब्लेड बनाते थे और उसमें भी एक सिक्के से 6 ब्लेड बन जाते थे, जहाँ एक ब्लेड की कीमत 2 रुपए थी, यानी कि 5 रुपए के सिक्के से 12 रुपए कमाए जा रहे थे। इस तरह से बड़े पैमाने पर बढ़ता ही चला गया, स्मगलिंग और भी ज्यादा होने लगी और देखते ही देखते भारत में 5 रुपए के सिक्कों की कमी होने लगी। लेकिन जब सरकार को इसकी भनक लगी तो उन्होंने सिक्के में मेटल को कम कर दिया और इसकी क्वालिटी भी बदल दी गई। वैसे गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये पता था कि 5 रुपए के सिक्के इंडिया से क्यों गायब हो रहे हैं और नए सिक्कों की क्वालिटी क्यों कम हो रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।